हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक ऐसा प्रूफ लेके आई हूँ जो आप सबको एक बड़े फ्रॉड से बचा सकता है। आप अगर अपने कॉइन बेचना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो या फिर किसी भी यूट्यूब के चैनल से आप सब इंक्वायरी करते हैं। वहाँ पर ऐसे नहीं कि सब बायर असली हो, कोई फेक बायर भी आ सकता है और आपको उस बायर के झांसे में ना आना आ है और आपको खुद को नुकसान पहुंचाना है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें कि कैसे फेक बायर्स आपको कैसे उल्लू बना सकते हैं और आपसे उसकी पर्सनल जानकारी लेकर आपसे फ्रॉड कर सकते हैं। फ्रॉड छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, पर फ्रॉड तो आपके साथ हो सकता है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें और सतर्क रहें। जब मैंने अपनी एड OLX पे डाली, अपने कॉइन के फ़ोटो और उसके साथ थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी डाला, तभी मैंने अपने चैट में देखा तो 1 या 2 घंटे में मुझे 3 या 4 मैसेज आ गए, शेयर योर व्हाट्सएप नंबर। तभी मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर डाला कि मैंने कहा कि मुझे आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। तभी उसमें से एक का ऐसा मैसेज आ गया, ये नंबर था मैं। तभी उन्होंने कहा, हेलो माय फ्रेंड, हाउ मच इज़ द लास्ट आस्किंग प्राइस ऑफ द आइटम यू पोस्ट ऑन OLX? तभी मैंने 70 लैक्स कहा। ओके, आई विल ऑफरिंग यू 70 लैक्स 10,000 इंडियन रुपीस इंक्लूडिंग द शिपमेंट कॉस्ट। ओके, काइंडली सेंड योर अकाउंट डिटेल इन इंक्लूडिंग योर IFSC कोड एंड योर ईमेल एड्रेस सो एज ऑफ माई बैंक टू सेंड यू द कॉफी कॉपी ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट इज डन। अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड ईमेल एड्रेस। तभी मैंने रात को उसे मैसेज करा, टुमारो आई विल टेल यू व्हाट व्हाट यू वांट टू बाय। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू, कैन यू सेंड योर फोटो? तो उन्होंने कहा, आर यू सेलिंग और नॉट? मैंने कहा, सेलिंग बट व्हाट विथ योर फोटो? उन्होंने उसका एक फोटो भेजा। यू आर श्योर टू बाय माई कॉइन? तभी उन्होंने कहा, येस ऑफ कोर्स, शो मी योर ID प्रूफ विद द फोटो। तभी मैंने उनका ID प्रूफ मांगा। तभी उन्होंने ID प्रूफ का फोटो भी भेजा। कैन आई डू अ वीडियो कॉल फॉर द डील एंड देन वी फाइनलाइज सर? तब भी उसका मैसेज आया, नो प्लीज सर। मैंने कहा, तभी उन्होंने कहा, आई कान डू वीडियो कॉल बिकॉज माई फोन कैमरा इज नॉट इन गुड कंडीशन राइट नाउ। इफ आई पिक यू विल नॉट बी एबल टू सी मी। ओ देन योर वाइफ फोन, यू कैन यू कॉल मी? आई सेड, आई एम सिंगल पेरेंट्स, एनी अदर फोन इफ़ यू इंटरेस्टेड देन कॉल मी। तभी मैंने उसे कहा कि आपको अगर चाहिए ही तो वीडियो कॉल करो, हम लोग वीडियो कॉल से बात करेंगे। तभी मैंने सोचा कि चलो ID प्रूफ है, उसका फोटो है और वीडियो कॉल पर देखेंगे तो सेम आदमी होगा, तभी मुझे ट्रस्ट आएगा, तभी मैं अपना सब उसके साथ शेयर करूँगी, अकाउंट नंबर वो सब। तो सॉरी, नो अनदर फोन हियर, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? आई ऑलरेडी सेंड योर ID प्रूफ फॉर यू एंड पिक्चर, इफ़ यू स्टिल डोंट बिलीव मी देन यू कैन लीव। आई सेड येस, बट आई वॉन्ट टू कन्फर्म इट। मुझे कन्फर्म करना था कि वो ही आदमी है। मैंने कहा, ओके बाय जय श्री कृष्ण, यू आर अ रियल कॉइन लवर, देन यू कैन डू इट द स्मॉल थिंग, यू ब्लडी फेक। तभी मैंने उसे कह दिया कि आप फेक हो, मुझे पता चल गया। अगर आप सच में ही लेना चाहते थे तो आप वीडियो कॉल कर सकते थे, मैंने करने को तैयार थी तो भी आपने नहीं करने दिया। इसी तरह से आपको भी फेक कॉल या फिर फेक बायर्स मिल सकते हैं, तो आप सतर्क रहे। इसलिए मैंने यही आइडिया किया, पहले आप फ़ोटो मंगवाए, फ़ोटो देखे, ID प्रूफ मंगवाए, ID प्रूफ भी देखे, आपको ऐसा लगे ये आदमी सही है तो ही आप अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब डालें। जब हमारी ये बात ख़त्म हुई
तभी मैंने ऊपर जाके देखा तो उसने सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए थे। जो उसने आईडी प्रूफ दिया था वो डिलीट हो गया था, जो उसने अपना फ़ोटो भेजा था वो भी डिलीट हो गया था। फिर अभी आज मैं जब वीडियो बनाने बैठी तभी उसने ऑनलाइन भी दिख रहा है और ये अपना डीपी में भी उसने अपना ये वाला फ़ोटो, और यही फ़ोटो उसने अपने प्रूफ के लिए भेजा था। और ये रहा उसका फ़ोटो और नंबर। आप मेरी चैनल पे और ऐसे वीडियो देख सकते हैं जो आपको सबूत के साथ, प्रूफ के साथ ऐसे फेक कॉलर से बचाना चाहता है। और फेक बायर से बचो। मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।